Hey guys, welcome back our channel Kritika Sharmi Craft and Cooking. Myself Archana. Today we are making a gulab jamun recipe. We make this recipe only 4 simple steps. If you like this video, please press the like button. Without wasting time, let's start the video. रसगुल्ला बनाने के लिए हम सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी चीनी लिया है और इसमें मैं 2 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चाशनी को चीनी घुलने तक पकाना है। चाशनी को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाए। यहाँ चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुकी है। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, इसमें बस हल्की सी चिपचिपाहट सी आनी चाहिए। चाशनी में उबाल आ चुकी है, हम एक बार दोबारा चेक करेंगे। इसमें चिपचिपाहट आ चुकी है, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। गैस बंद कर देंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ MTR का गुलाब जामुन रेडीमेड पाउडर यूज़ किया है। आपके घर में या मार्केट में जो भी पाउडर अवेलेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं वो गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो रेडीमेड पाउडर होती हैं इनमें गांठें पड़ जाती हैं। इन गांठों को हल्के हाथों से मसल मसल के खोल लेंगे इन्हें अच्छी तरह से। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ दूध का यूज किया है, आप पानी का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, एक बार में सारा दूध नहीं डालेंगे और इसे अच्छी तरह हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। रोटी के आटे की तरह इसे बिल्कुल ना गूंथें, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। स्टेज पर डो बनाते वक्त ये हाथों में बिल्कुल चिपक रहा है, तो ऐसे स्टेज पे हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। हाथों में भी थोड़ा घी लगा लेंगे और इसे मिलाते हुए अच्छी तरह आसानी से एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। डो तैयार हो गया है, अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए हाथों में सबसे पहले घी लगा के हाथों को चिकना कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथों में एक लोई लेंगे और उसे उंगलियों से हल्की हल्की दबाएंगे पहले, उसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए गोल करते जाएंगे और इसे एक बॉल का शेप देंगे। आप देख सकते हैं हमारी बॉल बनकर तैयार है। इसी तरह से सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। बॉल बिल्कुल चिकने होने चाहिए, इसमें दरार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक एक करके सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। सारे बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे करीब 30 से 35 बॉल बन चुके हैं। हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम चाशनी को दोबारा गर्म कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। चाशनी को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना, हल्का गुनगुना ही करना है। तेल गर्म हो चुका है, इसे एक बार चेक कर लेंगे। एक छोटा सा बॉल डालेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब तेल तलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक एक करके इसमें बॉल डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना है। एक हाथ से बॉल डालेंगे और दूसरे हाथ से इसे चलाते रहेंगे, हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे इसे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होते जा रहा है। तलकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये भी रेडी हो चुका है, लगभग सारे बॉल्स फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को बिल्कुल हल्का गुनगुना रखना है, भूलकर भी तेज गर्म चाशनी में बॉल्स को ना डालें, नहीं तो आपके सारे रसगुल्ले बेकार हो जाएंगे। सारे बॉल्स को मैंने रस चाशनी में डीप कर दिया है। अब इसे एक बार अच्छे से चला देंगे हल्के हाथों से और इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे हम।
हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से रसगुल्ला फूल चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक रसगुल्ला मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है, चाशनी इसके अंदर बिल्कुल ऑब्जर्व हो चुकी है। एक बाइट लेकर देखते हैं कैसी लग रही है। बहुत ही टेस्टी बनी है। जब आप रसगुल्ले बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले भी ऐसे ही सॉफ्ट बनेंगे। बस कुछ बातों को ध्यान में रखना है। इसका डो बिल्कुल हल्के हाथों से सॉफ्ट डो तैयार करना है। डो और बॉल्स को सूखने नहीं देना है। फ्राई करते समय बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये कच्ची रह जाएगी अंदर से, और चाशनी में 1 से 1.5 घंटे तक के लिए इसे छोड़ देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट्स करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।